सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई सभी लाइव आ जाओ। कुछ ही सेकंड में आप लोग की क्लास शुरू होने वाली है, और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। विनती, ज्योति, सुमित, पूजा, रीना, मीना, अनिश, प्रवेश, गुज्जर, तो सारे बच्चे हमारे धीरे धीरे कनेक्टेड हो रहे हैं। बिल्कुल अनिश, अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, सो सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ, और जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो वीडियो के शेयर जरूर करेंगे और साथ में लाइक्स। अगेन वी से योर लाइक्स आर द एनर्जी करेंसी फॉर मी। जो आप लोग के लाइक्स होते हैं वो मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। तो सारे बच्चे जो है एक बार हमारे जो वीडियो है वो लाइक करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारे बच्चे धीरे धीरे अब कनेक्टेड हो रहे हैं, और आज का भी सेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, और हर एक विभाग में आप लोग जाते हो तो कहीं ना कहीं हेल्थ का इश्यू रहता है। तो एग्जामिनर को हमेशा ये वो अपने आप को भी और साथ में आपको भी इवेलुएट करता है कि आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो या नहीं हो डिजीज से रिलेटेड। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वेनिका जोशी, सो सारे बच्चे हमारे धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे विभू कुमार जुड़े हैं, गुड इवनिंग विभू। तो भाई सभी बच्चे धीरे धीरे लाइव आ जाओ ताकि अब क्लास स्टार्ट करें। तो मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? सभी बच्चे रेडी हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे कि यदि सारे बच्चे रेडी हैं तो फिर मैं क्वेश्चन के लिए हाँ बोलूंगा, और तुरंत आप लोग के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। सो एम आई क्लियर? ओके, तो ध्यान देना आप कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल अनीश, ज्योति, जो भी बच्चे हमारे धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ओके ज्योति, ओके ओके प्रवीण, प्रवेश, सो सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, और कुछ ही सेकंड में कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट आने वाला है, और आई होप कि आ गया है। सो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। सारे बच्चे आज मुझे भी देखना है, वही सबके देखना है स्कोरिंग क्या है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत पहले भी पढ़ाया था और हाल फिलहाल में भी ने डिजीज के क्लास लिए थे। ठीक है, अंजलि पॉल भी जुड़ चुकी है, तो हमारे सारे बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक वे में हमारे क्लास से अब जुड़ रहे हैं। और यहां पे मैं अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना पूनम। फूड पॉइजनिंग बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ अ स्पीसीज ऑफ, वी से एजिटोबैक्टर, सेकेंड वी से लैक्टोबेसिलस, थर्ड वी से क्लॉस्ट्रिडियम, एंड थर्ड वी से फोर्थ वी से राइजोबियम। तो यहां पे हमें सभी बच्चों के आंसर का वेट है। खाद्य विषाक्तता जिसको बोलते हैं, इनमें से कौन सी प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है वो, एजेटोबॉटर, वी से लैक्टोबेसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम या वी से राइजोबियम। तो यहां पे प्रवेश फर्स्ट, संदीप का फर्स्ट का सी, ओके। अनीश का मैं देख रहा हूं सी पर गए हैं, सुमित कुमार क्लॉस्ट्रिडियम जा रहे हैं। तो मुझे भाई सभी बच्चों के आंसर का वेट है। यहां पे आराधिका शिपर गई है, पूजा सी, ओके, रीना मीना फर्स्ट का सी, ज्योति राघव फर्स्ट का थ्री। सो मुझे सभी बच्चे, जो भी बच्चे हमसे अब धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे सभी बच्चों के आंसर का यहां पे वेट है। सो बिल्कुल एनर्जेटिक वे में ध्यान देना। आज मेरा भी एक है आइडिया कि सारे बच्चे फुल टॉक टाइम देंगे आज। विनती शर्मा सी पर गई है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो बोटुलिज्म है इज अ रेयर बट वी से अबाउट पोटेंशियली वी से थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इलनेस डिजीज होता है, ध्यान देना। और ये जो क्लॉस्ट्रिडियम है जो आप लोग देख रहे हो, कई बच्चे सी पर गए हैं, तो वो क्या करता है, आपका जो फूड सब्सटेंस होता है उस पे वे ऑलरेडी टॉक्सिक टॉक्सिकेंट जो सब्सटेंस होता है उसको वो सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो
तो जिन बच्चों ने फर्स्ट का सी क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट है, एक बार नहीं है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जनरेट हुआ है और बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली मैं बात करूं तो क्लॉस्ट्रिडियम बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान देना पूनम, आगे से आप एक बार आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, डी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, वो है क्लॉस्ट्रिडियम, ये एक बैक्टीरिया है विषय, ध्यान देना, जो आपके फूड सब्सटेंस पे क्या करते हैं भाई, टॉक्सिक पदार्थ को सिक्रीट करता है, तो बिल्कुल आगे से ये गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। प्रवेश आपका भी रॉन्ग आंसर था ये, ओके। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, सो टेक टीम, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे कुछ ही सेकेंड में आने वाला है, सो बी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि सभी आप बच्चे देख पा रहे होंगे, कोई बात नहीं पूनम धनको, डजंट मैटर, ऐसे ही अपने आप को बूस्ट करना है, अपने आप को फ्लो में लाना है, ध्यान देना, और फ्लो में ऐसे ही आओगी आप, धीरे धीरे अच्छा करती हो आप भी, कोई बात नहीं बेनिका, आप यहीं से कनेक्टेड हो जाओ, मुझे सभी बच्चों के आंसर का वेट है, जैसा कि मैं सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है, और एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। डीपीटी वैक्सीन इज गिवेन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विषय टेटनस पोलियो प्लेग, सेकेंड विषय टीबी पोलियो डिफ्थीरिया, थर्ड विषय डिफ्थीरिया होपिंग कफ टेटनस, एंड फोर्थ विषय डिफ्थीरिया पोलियो और लेप्रोसी। तो जो बच्चा ध्यान देना, जो बच्चा डीपीटी का फुल नेम जानेगा वो बिल्कुल राइट आंसर निकाल देगा, यहां पे जो बच्चा डीपीटी का फुल नेम जानेगा वो बिल्कुल राइट आंसर ही सेलेक्ट करेगा, क्योंकि जो डीपीटी का जो फुल नेम है वो अपने आप में एज अ क्वेश्चन का आंसर भी होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डीपीटी का फुल नेम जो बच्चे को पता है वो बिल्कुल राइट आंसर क्लिक करेगा, बिल्कुल राइट आंसर क्लिक करेगा। सो भाई मुझे सभी के आंसर का वेट है यहां पे, जैसा कि मैं देख रहा हूं, संदीप सेकंड का सी, बेनिका जो सी पर गई है, प्रवेश गुजर फोर, अनिश यादव का डी है, और आराधिका डोगरा सी पर गई है, ओके। तो मैंने क्या कहा भाई कि जिन बच्चों को डीपीटी का फुल नेम याद है वो बिल्कुल राइट आंसर क्लिक करेगा, देखो डी फॉर हो गया हमारा डिफ्थीरिया, डी फॉर हो गया डिफ्थीरिया, और पी से हो गया हमारा पर्टुसिस, और टी से हो गया हमारा, ध्यान देना, टिटनेस, और ये जो आप देख रहे हो ना पी फॉर पर्टुसिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग हुपिंग कफ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, हुपिंग कफ बोलते हैं, ध्यान देना, जिसको हम हिंदी में काली खांसी, कुकुर खांसी, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, हुपिंग कफ। तो जैसा कि सारे बच्चे ऑलरेडी यहां पे आपको डीपीटी का फुल नेम भी कभी कभी एग्जाम में मेंशन कर देता है, सो अगेन भी सारे बच्चे फोकस करेंगे भाई डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, दैट इज द फुल नेम ऑफ डीपीटी। और यहां पर मैंने क्या कहा, जो पर्टुसिस है, पर्टुसिस को ही हम लोग अदर नेम में हुपिंग कफ भी बोलते हैं। तो योगेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, ध्यान देना भाई, पर्टुसिस को ही क्या बोलते हैं हम अदर नेम में, हुपिंग कफ बोलते हैं। सो एम आई क्लियर अबाउट द फुल नेम ऑफ डीपीटी, तो कभी भी ध्यान देना, इसके नाम में ही ये जो डीपीटी का जो हम लोग लगाते हैं, इसके नाम में ही वो बीमारी भी ऑलरेडी छुपा हुआ है, डी फॉर डिफ्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस, और पर्टुसिस को ही मैंने क्या कहा, हुपिंग कफ काली खांसी, एंड टी फॉर टिटनेस। तो जिन बच्चों ने सेकेंड का थर्ड क्लिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है, यहां पे कई बच्चों के मुझे आंसर के वेरिएशन देखने को मिले, लाइक अनिश यादव और लाइक प्रवेश ने गलत आंसर यहां पर दिया था,
तो आगे से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना जिन बच्चों ने गलत आंसर यहां पे दिया था तो। और इसके आपके फुल नेम भी पता होना चाहिए डीपीटी का। सो एम आई क्लियर? मुझे पता है सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। आज ये वो क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और नॉर्मली पूछे जाते भी हैं, तो मैं उसी वेटेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन डिलीवर करूंगा, ध्यान देना। सो अब मैं आने वाला हूं, अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो बिल्कुल बी रेडी एंड बी कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा कि मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे कुछ ही सेकंड में आने वाला है, और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं भाई, योगेश पूजा ज्योति बिल्कुल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी की स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है यहां पे। सो बी रेडी एंड गिव आंसर नाउ, आई एम जस्ट रीड द क्वेश्चन, ठीक है? ओके। और स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, ये जो टीबी है जिसको हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, सबको पता है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज टीबी, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षय रोग बोलते हैं, और कहीं कहीं ध्यान देना तपेदिक भी लिखा रहता है, डजंट मैटर, सारा हमारा टीबी है। और टीबी में हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड ये पॉइंट है, मुझे सभी के आंसर का यहां पे वेट है। संदीप ने, सुमित ने बताया मेंटोक्स टेस्ट, और ज्योति राघव फोर, प्रवेश फोर पे जा रहे हैं, और राधिका भी फोर पे गई है, बेनिका जोशी फोर पर गई है। और आज ध्यान देना इसी के अकॉर्डिंग आज मैं खुद भी आप लोग को इवेलुएट करूंगा कि वेयर आर यू स्टैंड, कि आप अभी कहाँ खड़े हो, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 40 से 50 नियर अबाउट क्वेश्चन आपको डिजीज बेस्ड कराऊंगा, अलग अलग वेरिएशन। फिर हम लोग स्पेशल प्लांट में जो जो बीमारियां होती है वो भी मैं आपको एज ए एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा। लेकिन यहां पे मैं सभी बच्चों के फ्लो देख रहा हूं, यहां पे विनती शर्मा डीपर गई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सारे बच्चे एनर्जेटिक वे में क्लास ले रहे हैं, जुड़े भी हैं, तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि भाई मुझे भी लग रहा है कि यू आर ऑल्सो इन एनर्जेटिक फॉर्म। और बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, यहां पे मैं देख रहा हूं हमारे सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है। और टीबी तपेदिक, जिसको हम, ये याद रखना, कभी कभी बैक्टीरिया का नाम भी आपके पेपर में मेंशन कर देता है कि जो टीबी है उसका मेन पैथोजेन कौन है। वी नो अबाउट पैथोजेन, रोग कारक, पैथोजेन मीन्स क्या होता है भाई, रोग कारक, वन हु क्रिएट डिजीज, जो बीमारी करते हैं वो क्या होते हैं भाई, पैथोजेन होते हैं। सो मेन जो पैथोजेन है वो माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस, दैट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया योगेश, माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस, और इसको हम लोग क्षय तपेदिक भी बोलते हैं। सो बिल्कुल राइट आंसर है सभी के। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल राइट पूजा, बिल्कुल सही बताई हो, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर पे, और बी रेडी और बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन फोर जो है कुछ ही सेकंड में आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो सारे बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक वे में जुड़े हुए हैं आंसर देने के लिए। और आज मैं खुद देखने वाला हूं कि आज कितने ऐसे बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बोलते हैं स्टडी, सही बताई हो पूजा, और आज मैं देखने वाला हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोरिंग फुल टॉक टाइम होने वाला है। कई ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं जो आज मुझे 10 आउट ऑफ 10 क्लिक करके देंगे, तो ध्यान देना अगले सीरीज में आपको इससे भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके मैं क्वेश्चन लाऊंगा। और यहां पे पहला आंसर आराधिका का आता हुआ, वो सी पर गई है, यहां पे अनिश यादव सी पर जा रहे हैं, प्रवेश गुजर फर्स्ट पे, प्रिया शाह सी पर गई है, क्या एनर्जेटिक में बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। स्पेशली फोर का सी यहां पे वेनिका गई है, और सुमित तो सीधे लिख दिया जस्ट आफ्टर बर्थ, योगेश मिश्रा ए पर,
और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने हमारे स्मार्ट बच्चे हमारे सेशन को अटेंड किए कर रहे हैं नॉर्मली, सारे बच्चे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग भाई गूगलिंग करके नहीं आंसर दोगे। और मुझे पता है हालांकि कोई बच्चा गूगलिंग नहीं करता है, क्योंकि यदि अपने आप को इवेल्युएट करना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो हमें विदाउट गूगलिंग ही आंसर देने होंगे। हालांकि आई एम 100% बिलीव इन दैट पॉइंट, यू हैव नो गूगलिंग। ओके, सो पूजा भी सी पर, संदीप सी, रीना मीना फोर का सी गई है। सो यहां पे ज्योति आपका भी आंसर अभी तक आई होप नहीं आया। सो भाई सारे बच्चे मुझे आंसर यहां भेजेंगे। अमन शर्मा जुड़े हैं, वो सी पर गए हैं। ओके आराधिका, बिल्कुल अच्छा कर रही हो आराधिका आप पहले से। सारे जीनियस बच्चे यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल सही बोली पूजा, गूगल करेंगे तो लॉस हमारा है, और बिल्कुल लॉस हमारा है। ज्योति राघव यहां पे ऑप्शन फर्स्ट पे गई है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी है, क्योंकि जो बीसीजी होता है यू जस्ट प्रोक्यूलेट आफ्टर बर्थ, हमें इसे आफ्टर बर्थ ही क्या करना चाहिए भाई, तो प्रोक्यूलेट करना चाहिए। सो वी से अबाउट दैट जो हमारा बीसीजी है, ये जो टीका होता है आफ्टर बर्थ वी प्रोक्यूलेट बीसीजी, वी प्रोक्यूलेट बीसीजी आफ्टर बर्थ। तो हमें बर्थ मतलब जैसे बच्चा जन्म लिया और उसके बाद जो है हमें क्या करना चाहिए भाई, ये टीका लगाना चाहिए। पता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा, और यहां पे मुझे कई लोगों के आंसर में वेरिएशन देखने को मिले हैं। तनु महोर बड़े दिन बाद सेशन ज्वाइन की है, और कई दिन से ये आई होप की क्लास नहीं अटेंड कर रही थी, आज इसने ज्वाइन की, वो भी लेट। सो यहां पे मुझे भाई सभी के एक और इसका मेन बीसीजी का फुल नेम कोई बताना चाहेगा? ये तो क्लियर है कि भाई हम आफ्टर बर्थ इसको क्या करते हैं, प्रोक्यूलेट करते हैं। आफ्टर बर्थ जो है हम इसको प्रोक्यूलेट करते हैं, आफ्टर बर्थ जो है हम इसको प्रोक्यूलेट करते हैं। और सारे बच्चे जो कनेक्टेड हैं, बीसीजी एज अ वेक्टर नहीं बोलेंगे ज्योति राघव, एज अ वैक्सीन बोलेंगे, टर्म यूज करेंगे, है ना, वैक्सीन। टीबी का एक तरह से क्या है, ये वैक्सीन है। और यहां पे पूजा ने बताया है बेसिलस कलमेट ग्यूरिन। ओके, और भी हमारे बच्चे भाई बीसीजी का फुल नेम कोई बताना चाहेगा? अभी सिर्फ पूजा ने ही बताया है, क्या पूजा ने राइट बताया है या गलत बताया है? यहां पे कृति बता रही है बेसिलस कलमेट ग्यूरिन, बिल्कुल सही बताया कृति आपने। ओके यस सर, वैक्सीन। ओके सो अनीश यादव, बेसिलस कलमेट ग्यूरिन, बिल्कुल सही सभी ने बताया, बिल्कुल सही सभी ने बताया भाई। तो वो हमारा है बेसिलस कलमेट ग्यूरिन, दैट इज द फुल नेम ऑफ बीसीजी। और हम क्या करते हैं भाई, आफ्टर बर्थ प्रोक्यूलेट करते हैं। आफ्टर बर्थ जो हम इसको क्या करते हैं भाई, तो प्रोक्यूलेट करते हैं। एम आई क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? बिकॉज इफ यू इनोक्यूलेटेड टू टेकिंग टाइम, यदि आप समय मान लो ज्यादा ले लिया आपने बीसीजी लगाने के लिए, तो ये उतना प्रभावकारी नहीं होगा, उतना वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ध्यान देना, बिल्कुल सभी ने सही बताया है, हमें जो है बीसीजी को एज अ टाइम पे ही क्या करना चाहिए भाई, प्रोक्यूलेट करना चाहिए, इनोक्यूलेट करना चाहिए। और यदि हम टाइम टेकिंग ज्यादा लेते हैं तो वो ज्यादा प्रभावकारी नहीं होगा, इसलिए आफ्टर बर्थ ही हम इसको क्या करते हैं भाई, लगाते हैं। क्योंकि यदि हम टाइम टेकिंग करके लगाते हैं, ध्यान देना कुछ लोग क्या करते हैं कि एक साल बाद लगाते हैं, एक साल बाद भी लगा सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन यदि आप उससे प्लस जाने लगे ना, तो कहीं ना कहीं इसका जो इनोक्यूलेशन होता है वो अब फिर ज्यादा आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा, कहने का मेरा मतलब है। सो बिल्कुल सभी ने राइट आंसर बताया है।
तो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव आप सभी की स्क्रीन पे। और बहुत बच्चे पूछते हैं सर कौन कौन से हम बुक लेकर पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं यहां पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, राधिका ने शायद पूछी थी, तो बिल्कुल आपको मेरे सेशन ही ज्वाइन करने हैं, इससे आपको ज्यादा जो है आपको प्लस नहीं आएगा। और योगेश मैंने बोला भी स्टार्टिंग फेज में ही कि ऐसे कई बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही हमारा सेशन लिए हैं, क्लासेस वगैरह, तो जितना मैं कंटेंट देता हूं आपको, जैसे कई सारे वीडियोस पड़े हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, एक बेसिक मैंने नॉलेज डिलीवर किया वहां पे, बेसिक कंसेप्ट मैंने वहां पे दिया है आप सभी को, तो यदि आप वो हमारे सारे कंसेप्ट आप यदि आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और जितना मैं कंटेंट डिलीवर किया हूं उससे प्लस नहीं आने वाला है। और मैं तो भाई चैलेंज भी करता हूं, मैं उसी एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं, मुझे अपना नॉलेज नहीं दिखाना है, मुझे आपसे अपना सिलेक्शन लेना है कैसे भी आपसे, तो भाई मैं वही दूंगा जो आपके लेवल का हो। तो जो भी वीडियोस पढ़े हैं आप एक बार देखो, आफ्टर डैट आप कहीं के भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, ए टू जेड क्वेश्चन आपसे होके जाएंगे, आपको अदर कंटेंट अदर बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ध्यान देना। तो यहां पे हमारे सारे स्मार्ट बच्चे आंसर दे रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि द डिजीज टिटनेस विषय इज आल्सो नोन एज, तो यहां पे गैंग्रीन है विषय, सिंगल्स है लॉकजा एंड विषय हुपिंग कफ। तो यहां पे टिटनेस का ये अदर नेम की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे सभी के मैं देख पा रहा हूं शानदार आंसर आ रहे हैं। और शर्मा जी कनेक्ट हुए और उन्होंने ए बताया है, सो मुझे सभी के आंसर का वेट है भाई। बिल्कुल आराधिका नहीं भूलोगी आप ना, आप हालांकि आप तो ऑफलाइन में मेरे से पढ़ी भी हो, मुझे पता है आपने क्लास लिया भी है, कई सारे क्लासेस लिया है आपने, बट आप मुझे पता है अच्छा भी करती हो, आई नो अबाउट, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है, मेरे कंटेंट से ज्यादा नहीं आएंगे भाई, आप एक बार देख करके क्वेश्चन लगाओ ना, ए टू जेड क्वेश्चन आपसे होके जाएंगे। यहां पे कई हमारे स्मार्ट बच्चे भी कनेक्टेड हैं, मैं देखता हूं पूजा ज्योति कई ऐसे बच्चे हैं, सुमित वगैरह पूनम, तो ये बच्चे नॉर्मली क्लास लेते हैं और अच्छा स्कोरिंग कर रहे हैं, तो वैसे ही आप भी करोगी मुझे पता है। सो ठीक है, सुधीर यादव ए पर गए, और ध्यान देना भाई जिन बच्चों ने सी पर क्लिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है, सी हमारा बिल्कुल सही है, लॉक जा के नाम से जानते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कई जगह इसको धनुष टंकार के नाम से भी बोला जाता है, धनुष टंकार भी बोला जाता है, क्योंकि यदि आप टिटनेस का इंजेक्शन सही समय पर नहीं लगाते हो और यदि आपका बॉडी पार्ट्स किसी डस्टिंग पार्ट से कट जाता है, तो यह ध्यान देना यदि आपने कहीं भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह टच किया, बैक्टीरिया अंदर जाता है और वो टाइम टेकिंग लेगा। और मैं ये जानना चाहता हूं सभी बच्चे से, मुझे सभी बच्चों के आंसर का वेट रहेगा, मुझे सभी बच्चे के आंसर का वेट रहेगा कि ये जो टिटनेस है, टिटनेस में हमारा कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, टिटनेस में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, टिटनेस में हमारा कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, दैट्स कैन आल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ज्योति अमन जो भी बच्चे हैं भाई जुड़े हैं, रीना मीना पूनम सुमित जो भी हमारे प्रवेश सुधीर, मैं जैसा कि देख पा रहा हूं सारे बच्चे भाई, टिटनेस में कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है कोई बताना चाहेगा? अभी आप लोग के कमेंट बॉक्स में कोई मुझे हलचल देखने को नहीं मिला। और प्रवेश यहां पे लंग्स पे गए हैं, सुमित नर्वस सिस्टम पे। और मैं बार बार बोलता हूं कि यदि आप गलत आंसर भी देते हो तो अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है, ध्यान देना, हमेशा पॉजिटिव व्यूज रखने हैं ताकि आप लाइफ में और अच्छा करो। और बिल्कुल यहां पे शानदार आंसर कई बच्चों ने बताया है, वो है हमारा नर्वस सिस्टम, बिल्कुल हमारी जो तंत्रिका तंत्र है। अनीश और प्रवेश गलत है, लंग्स नहीं होगा। बेनिका ने भी राइट आंसर दिया यहां पे, कीर्ति ने भी राइट आंसर दिया है, प्रिया शाह समझ लेना नर्वस सिस्टम, तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, वो डैमेज होता है, एक तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है आप समझ लो।
नहीं ज्योति राघव, टाइफाइड अलग है, टिटनेस अलग है। ठीक है ज्योति, टाइफाइड का अलग है और टिटनेस अलग है। टाइफाइड को आपको पता होगा, मैरी मेल्सन का नाम मैंने बताया था, मैरी टाइफाइड के नाम से फेम हुई थी। बाई कुकिंग उसका प्रोफेशन था, घरों में जाकर के खाना बनाती थी और स्टार्टिंग फेज में वही उस पर कोई भी डायग्नोस्टिक साइन नजर नहीं आ रहा था टिटनेस के, लेकिन वो जिसके सॉरी टाइफाइड के, वो हिस्ट्री टाइफाइड का है और एक बड़ा ही बीमारी स्टार्टिंग फेज में हुई थी। और आप लोग जैसा कि पता है कि स्टार्टिंग फेज में कोई बीमारी आती है तो मीडिया अटेंशन तो हो ही जाता है ना। सो बिल्कुल यहां पे सभी के राइट आंसर है। धनुष टंकार बोलते हैं इसको, लोकजा इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा नेक, जो हमारे गर्दन की मसल्स होती है वो उतनी टाइट हो जाती है ना, उतनी टाइट हो जाती है कि हम कोई चीज निगल नहीं पाते, खा नहीं पाते। ठीक है, तो टिटनेस को बिल्कुल नहीं, वो तो हमारा है टाइफाइड इंटेस्टाइनल, हमारा उसमें डैमेज होता है ज्योति राघव, बट हमारा इसमें जो है नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। ठीक है, सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स कुछ ही सेकेंड में सभी की स्क्रीन पे यहां पे आने वाला है। और बिल्कुल ही ये क्वेश्चन मैंने देखा है भाई, कई बार पूछा गया है, तो मुझे सभी के आंसर का वेट रहेगा। जैसा कि मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है। पीपल हु ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम शैलो हैंड पंप आर लाइकली टू सफर फ्रॉम ऑल द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। यहां पे क्वेश्चन डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है कि मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शैलो हैंड पंप, शैलो समझते हो, शैलो मतलब होता है उथला पुथला, मतलब ज्यादा डीप नहीं है। शैलो का मतलब है उथला पुथला, मतलब ज्यादा डीप नहीं है, शैलो कंडीशन में है। सो आर लाइकली टू सफर फ्रॉम ऑल द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, क्या उस बीमारी में उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कॉलरा है, सेकेंड हमारा टाइफाइड है, थर्ड हमारा है जॉन्डिस और डी हमारा है फ्लूरोसिस। तो यहां पे कौन सा बीमारी होने का चांसेस है, मतलब कौन सी बीमारी नहीं होगी बाकी सारे होंगे, इनमें से कौन सी बीमारी नहीं होगी बाकी सारे होंगे। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं भाई सुमित कुमार कॉलरा बता रहे हैं, अभिनव आप इसी पे कनेक्टेड हो, एक्चुअली एमसीक्यू है, सो ओवरऑल ये ऐप पे ही चलती है। तनुमा और ए पर गई है, प्रिया शाह डी, पूजा ए पर जा रही है, आराधिका डोगरा ए पर, अनिश यादव डी। थोड़ा सा भाई अपने माइंड को रन करो, ज्योति संदीप जो भी बच्चे हमारे कनेक्टेड हैं, एक बार आप लोग थोड़ा सा दिमाग रन करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वे लोग जो हैंडपंप से पानी पीते हैं बट वो ज्यादा मतलब वो शैलो है, ज्यादा डीप में नहीं है, तो ऐसे लोगों में कौन सी बीमारी होगी और कौन सी नहीं होगी। तो जहां तक मैं बता दूं, और सुमित कुमार में क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ ले रहा हूं, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं या वे लोग नॉर्मली हैंड पाइप से पानी पी रहे हैं और वो ज्यादा उथला पुथला नहीं है, मतलब ज्यादा डीप में नहीं है, सैलो है, उथला फुथला है, तो उसमें कौन सी बीमारी होने के चांसेस होगी और किसको छोड़ के। तो यहां पे जिन बच्चों ने डी क्लिक किया है, डी वाला बिल्कुल राइट है, ये तीनों होने के चांस होंगे क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया चली जाएगी वाटर के थ्रू। और ये तीनों होंगे कौन कौन भाई, तो हमारा कॉलरा टाइफाइड जॉन्डिस, ये तीनों होंगे किसको छोड़ के भाई, तो फ्लोरेसिस को छोड़ के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये एक अलग केमिकल मेथड है, कॉस्मेटिक मेथड है, जिसमें फ्लोरीन का लेवल यदि ज्यादा होता है, और मैं आपको बता दूं कि यदि आप फ्लोरीन कंटेनिंग वाटर पीते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है आपके जो दांत होते हैं वो चितकबरे हो जाते हैं, एक बीमारी होती है फ्लोरिसिस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फ्लोरिसिस बीमारी है वो किसके वजह से होती है, सो जो फ्लोरिसिस की बीमारी है, ध्यान देना, ये जो फ्लोरिसिस की बीमारी होती है ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन, तो
तो जब वाटर में फ्लोरीन का अमाउंट ज्यादा होता है तो फ्लोरिसिस होती है, जिसमें दांत क्या होते हैं आपके चितकबरे, जो दांत के रंग होते हैं फ्लोरिसिस को बोलते हैं चितकबरा, वो कलर कई कॉम्बिनेशन में बन जाते हैं। तो ये हमारा डी ध्यान देना राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने डी क्लिक किया है सभी बच्चों का भाई डी सही है, बिल्कुल डी हमारा सही है। सो इसी बात पे मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 सभी के स्क्रीन पर, कुछ ही सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 7 सभी के स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। मुझे सभी से राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 सभी की स्क्रीन पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 सभी की स्क्रीन पे, क्योंकि हमारे यहां तो शो हो रहा है। सो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। द फैक्टर ऑफ मैड काउ डिजीज, मैड काउ, मैड काउ ध्यान देना, मैड काउ को हम मैड काउ ही बोलेंगे भाई। कई बच्चा समझ लेगा पागल गाय, क्योंकि कई बच्चा जो है ना वो हिंदी रूपांतरण बहुत तरीके से करता है। जैसे एक बार मैं बता रहा था ब्यूटी विटामिन ई, तुरंत लिख दिया सौंदर्य विटामिन। तो कई बच्चे हैं जो हिंदी का रूपांतरण बहुत तरीके से करते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम में लिख देते हैं नीला बच्चा सिंड्रोम। तो ध्यान देना इसको हम मैड काउ को मैड काउ बोलते हैं। इसमें जो कैटल वगैरह होती हैं पशुएं, उनका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। और यहां पे मुझे सभी के आंसर का वेट है, हालांकि सभी बच्चे डी पर जा रहे हैं, लेकिन देखना है इसमें कई बच्चे अभी रास्ता भी चेंज करने वाले हैं मैड काउ को लेकर के। मैंने हिंट दिया कि इसमें जो कैटल का जो ब्रेन है, बोले तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट होता है प्रियांश के माध्यम से। सो मुझे सभी बच्चे के आंसर का वेट है ज्योति। अभी भी कई स्मार्ट बच्चे हैं, अभी आने वाले हैं निखर के, और मैं देख पा रहा हूं कि भाई कोई स्मार्ट बच्चा मुझे नहीं दिख रहा है जो निखर के आ जाए और एक इधर उधर का आंसर दे दे। यहां पे तो स्मार्ट के भी स्मार्ट बच्चे जुड़े हैं जहां तक मैं देख रहा हूं। रीना मीना 7D, विंटी शर्मा डी पर गई है, पूजा तनु महावर डी पर गई है। इसमें कैटल का जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, नर्वस सिस्टम स्पेशली जो है, इसको मेडिकल टर्म में हम यूज करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं भाई? तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और बिल्कुल क्या राइट आंसर आया है चारों तरफ से मुझे देखने को, और वो है हमारा प्रियांश। सो मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, बिल्कुल हाईली सभी के कमेंट आना चाहिए। एक क्वेश्चन है ध्यान देना, मैं जनरेट कर रहा हूं, सारे बच्चे प्रियांश बताएं, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन एसएससी लेवल में पूछा गया था, ये जो प्रियांश होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रियांश बने किसके होते हैं, कोई बताना चाहेगा? प्रियांश बने किसमें बने किसके होते हैं, और क्या प्रियांश में न्यूक्लिक एसिड होता है? न्यूक्लिक एसिड बोले तो, न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए या आरएनए, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए आरएनए, क्या प्रियांश में होते हैं या नहीं, और प्रियांश बने किसके होते हैं? तो बिल्कुल पूजा डी तो हमारा राइट है। और यहां पे अभिनव चौधरी प्रोटीन, ओके प्रवेश प्रोटीन पे, प्रोटीन ओके। और यहां प्रवेश ने बताया नहीं होता है, बिल्कुल प्रोटीनेशियस टर्म प्रोटीन के बने होते हैं। और पता है मैंने आपको बताया था, याद होगा, एक बड़ा ही फेम बीमारी है, हालांकि कई बार पूछा भी गया है इस बीमारी से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं कुरु डिजीज इन ह्यूमन। तो मैड काउ में यह मत समझना कि जो कैटल का जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। कुरु डिजीज इन ह्यूमन आपको पता होगा, जिसको हम एक और बड़ा ही पॉपुलर टर्म यूज करते हैं, लॉफिंग सिकनेस डिजीज। अब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस बीमारी में आपको जोर जोर से हंसी आए, आप चिल्लाओ, है ना, तो ये हंसने वाली जो बीमारी होती है कुरु डिजीज। और बिल्कुल बिल्कुल मैंने बताया था, एक पपुआ ग्यूनिया
एक कम्युनिटी है, तो उनके यहां अपना कस्टम है, रीति रिवाज है, बिल्कुल सारा फैक्ट याद है। आप लोग तो यार मुंह के बाद छीन लेते हो मेरे कि मैं भी बोलने वाला क्या हूं। सारे बच्चे जो है ना तुरंत ज्योति तो और पकड़ लेती है कि सर क्या आगे बोलने वाले हैं। लगता है मेरा पूरा कॉपी कर रखी है ये। तो पपुआ ग्यूनिया एक कम्युनिटी है, तो उनका अपना एक कस्टम है, राइट है, रिचुअल है, रीति रिवाज है कि भाई आफ्टर डेथ क्या करते हो, डेड बॉडी को खाते हैं टू रिस्पेक्ट द सोल, आत्मा को शांति देने के लिए क्या करते हैं वो लोग, डेड बॉडी को खाता है लोग। और पता है वहां की जो महिलाएं हैं और स्पेशल जो छोटे बच्चे होते हैं वो ब्रेन पार्ट ज्यादा खाते हैं, वहां की महिलाएं और छोटे बच्चे जो हैं वो ब्रेन पार्ट ज्यादा खाते हैं और ब्रेन में ही ज्यादा वो ज्यादा एक तरह से इन्फेक्शियस करता है, ज्यादा संक्रमित करता है ब्रेन को ही, ध्यान देना ब्रेन पार्ट वो ज्यादा महिलाएं और बच्चे खाते हैं। तो उनका अपना रीति रिवाज निभाते गए और हुआ क्या कि ये जो प्रियांश है, एक तो उनका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, गिर जाएंगे और जो कुरु वर्ड है वो ट्रेम्बलिंग, कांपने से मतलब है, बॉडी इतनी कांपती है, ट्रेम्बल करती है उनकी कि पूछो मत। और व्यक्ति क्या करता है भाई, जोर जोर से हंसता है, चिल्लाता है। सो इसी के लिए इसको हम लोग रॉफिंग सीकनेस के नाम से जानते हैं। और नर्वस सिस्टम मेडिकल टर्म मैंने क्या कहा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट होता है प्रियांश। और एक और बीमारी आपको याद होगा प्रियांश से, ध्यान देना, उसका नाम है स्क्रेप डिजीज इन, सभी को पता होगा सीप। तो भेड़ों में एक स्क्रेप रोग होता है, भेड़ की पॉपुलेशन में कमी आई थी एक समय था, और खाना भी नहीं खाया, कोई बात नहीं प्रवेश, उसको माइंड पे नहीं लेना है, ठीक है, उनका अपना कस्टम है, उनका अपना रीति रिवाज है, आप दबा के खाना खाना, मजे से खाना। और स्क्रेप डिजीज सीप भेड़ों में, ध्यान देना, स्क्रेप बीमारी होती है, एक समय था भेड़ के पॉपुलेशन में कमी आ रही थी, जो भेड़ थी अपने सरफेस को इतना रगड़ रही थी कि सारे मसल्स बाहर निकल आते थे और उनके पॉपुलेशन में कमी आई थी, ध्यान देना। तो ये तीन बीमारी जरूर याद रखना प्रियांश, कुरु, मैड काउ और स्क्रेप, बिल्कुल सभी के राइट आंसर है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 8 कुछ अलग होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ अलग होने वाला है। और मुझे इसी क्वेश्चन का वेट था कि कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 राइट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ अलग क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सभी बच्चों का मुझे वेट है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज इस क्वेश्चन को राइट करके छोड़ेंगे। और जैसा कि मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान देना, ब्राइट डिजीज अफेक्ट अ ह्यूमन बॉडी इन द पार्ट, जो ब्राइट डिजीज होती है वो कौन से मनुष्य के, कौन से ऑर्गन को डैमेज करती है, किडनी, स्प्लीन, हार्ट या लीवर। पहले आप लोग आंसर बताओगे, फिर मैं क्या करूंगा भाई, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। अभी तो भाई मुझे सभी के आंसर का वेट है यहां पे, ब्राइट डिजीज। और अभिनव भी, प्रवेश भी पर जा रहे हैं, स्प्लीन जाए जा रहे हैं, यहां पे पूजा किडनी पे जा रही है, ज्योति राघव ऑप्शन सेकंड गई है, ओके स्प्लीन। सो पूजा ए ऑप्शन राइट, फिर पूजा ए पर गई, ओके। पूनम धनको स्प्लीन पे जा रही है, तो बिल्कुल भाई सारे बच्चे आंसर यहां पे मुझे देंगे। संदीप कुमार 8 का ए किडनी, ओके, मैं देख रहा हूं देर इज अ वेरिएशन इन योर आंसर, आप सभी के मुझे आंसर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, यहां पे मुझे आप सभी के आंसर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है ब्राइट डिजीज को लेकर के। रीना मीना 8 का ए, बेन का जोशी 8 का बी गई है, और यहां पे पूजा बोल रही है सर किडनी है सर जी, ये मैंने टेस्ट सीरीज में किया था, क्या बात है इतना कॉन्फिडेंस, ओके। सो बिल्कुल भाई हमारा जो ब्राइट डिजीज है, मैं बात करूं जो हमारा ब्राइट डिजीज है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर पूजा ने बताया है, सुमित ने भी बताया, ब्राइट डिजीज जो है इसमें हमारी जो किडनी है वो डैमेज होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है ना, जो किडनी के अंदर, भाई अब सारे बच्चे एक बार एक्सप्लेनेशन समझेंगे,
किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें फैलाव आता है, वो फैलती है और इससे क्या होता है कि हायर अमाउंट में जो एल्बुमिन प्रोटीन है, हायर अमाउंट में जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये बाहर निकलता है। भाई एक बार क्वेश्चन का डिफाइन समझ लो आप लोग सारे बच्चे, सारे बच्चे बिल्कुल फोकस करेंगे। मैंने क्या कहा, ब्राइट डिजीज में जो किडनी में जो ब्लड वेसल्स होती है वो फैलता है, उसमें एक्सपेंशन आती है और उसके थ्रू क्या होता है, जो हायर कंटेंट होता है एल्बुमिन का वो भी कहीं ना कहीं वाटर से यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, जिसको हम लोग नेफ्राइटिस के नाम से भी बोलते हैं। इसी बीमारी को किस नाम से जानते हैं भाई, नेफ्राइटिस। देखो नेफ्रॉन नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड है, किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्राइटिस। तो ब्राइट जो डिजीज है इसमें किडनी डैमेज होता है, अगेन वी रिपीटेड जो किडनी इनसाइड जो ब्लड वेसल्स होती है वो संकुचित ना होकर के फैलती है और हायर कंटेंट जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो यूरिन से निकलता है। बट यहां पे ध्यान देना, मैं ब्राइट डिजीज नहीं कराया था चौथी क्लास में, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू सीरीज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जो अब मैं क्लास में नहीं कराया। जो देखना आप लोग, जो सेकेंड सेशन आएगा डिजीज का, आप देखना बिल्कुल हटके सारे क्वेश्चन रहेंगे और मुझे तो देखना है कि आप कितना स्कोरिंग कर रहे हो। रॉन्ग राइट सभी को आंसर देना है और यहां पे कई बच्चों ने गलत आंसर दिया है, कुछ ही बच्चे हैं, पूजा आराधिका मैंने देखा और तनु भी गलत की है, स्प्लिन नहीं होगा। आगे से बिल्कुल इसका पॉइंट क्लियर है सभी को, हायर कंटेंट में एल्बुमिन यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो फैल जाती है, जिसको नॉर्मली हम नेफ्राइटिस भी बोलते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट भी हो सकती है। ध्यान देना ये बीमारी लंबे समय तक भी हो सकती है और जल्दी भी सही हो सकती है, दोनों हो सकती है, क्रॉनिक और एक्यूट दोनों ही हो सकती है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जहां तक मैं देख रहा हूं, अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देना। एंथोफोविया, एंथोफोविया इज अ फियर ऑफ द फॉलोइंग, एंथोफोविया रिनामीना ज्योति, सारे बच्चे बी कंसंट्रेट। सो बी कंसंट्रेट नाउ कि जो एंथोफोविया है वो किससे रिलेटेड है। सारे बच्चे भाई, सभी बच्चों के राइट आंसर यहां पे आना चाहिए। सुमित कुमार ने तो सीधे आग ही भेज दिया, क्या बात है, तो रियल में आग लगाना है आज, ध्यान देना। सभी बच्चों को अच्छा स्कोरिंग करके दिखाना है और क्या बात है, सुशेन कुमार सीपर जा रहे हैं, राहुल हुडा फायर, ओके, पूनम धंक बी, क्या बात है, देर इज ए वेरिएशन इन योर आंसर, आप सभी के आंसर मुझे वेरिएशन देखने को मिल रहा है भाई। सुशेन कुमार फ्लावर्स पे, क्या बात है, क्या बात है, और बिल्कुल ध्यान देना वो हमारा है फ्लावर, क्योंकि ध्यान देना देखो नाम में ही छुपा है, एंथोस का मतलब ही होता है फ्लावर, एंथोस का मतलब ही होता है फ्लावर, और फोविया तो आप लोग जानते हो ना भाई, डर फियर, देखो इसके नाम में ही छुपा है फ्लावर, तो ऐसे लोगों को ध्यान देना वो फ्लावर से उनको डर लगता है, मतलब वो इरिटेबल नेचर के हो जाते हैं बिल्कुल। यहां पे बेनिका जोशी ने सीधे फ्लावर भेज दिया, सो एक तरह से समझ लो कि एज अ एंजाइटी है, ध्यान देना उन लोगों को फ्लावर से इरिटेबल होता है, मतलब वो इरिटेटिंग करते हैं भी हम बोल सकते हैं। तो एंथोस का मतलब ही होता है फ्लावर और फोविया मतलब होता है डर। तो यहां पे अब जो है लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आने वाला है, इनका जो सी मैंने क्या कहा, एज अ एक एंजाइटी है, एज अ एक आप समझ सकती हो कि जो है ये माइंड से रिलेटेड बीमारी है,
इसमें जो व्यक्ति के जो थॉट्स होते हैं वो अलग जनरेट होते हैं। हालांकि सभी को फ्लावर पसंद है, नॉर्मल केसेस में बीमारी होती है किसी के अंदर जिनको एंजाइटी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, और उन लोगों में अलग एक ब्रेन का ही एक तरह समझ लो बीमारी है, जो एंथोफोबिया है, फ्लावर से डर लगता है उनको। अलग अलग टाइप्स के जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब ये समझ लो कि वो नेचर से, जब उनको भाई फ्लावर से डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं उनको नेचर से भी हेट होगा कि नेचर में ही तो फ्लावर्स हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर से हेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम ब्रेन की ही बात करें, उनका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा या उनको एंजाइटी की समस्या हो, ये कई तरह के प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होते हैं यहां पे। तो यहां पे अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सभी के स्क्रीन पे कुछ ही सेकेंड में आने वाला है, और बी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सभी के। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि प्रवेश पहले से ही डर गया। कोई बात नहीं प्रवेश, धीरे धीरे अच्छा करोगे, बाय एंड बाय यू जस्ट बूस्ट योर साइंस आई नो अबाउट। सो डरना नहीं है और अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करनी है। पिछली बार आपने दिल की बात नहीं सुनी तो कई सारे क्वेश्चन आपके गलत हो गए। यहां पे सिलिकोसिस इज अ, सिलिकोसिस इज अ, और किडनी वी से लीवर वी से लंग वी से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सिलिकोसिस बोले तो सिलिका कंटेनिंग 10 पार्टिकल्स होते हैं, इतना मैंने हिंट दिया आपको। सुसेन संदीप सी ओके, यहाँ पे बेनिका जोशी 10 का डी जा रही है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अभिनव चौधरी सी पर गए हैं, पूजा लंग ओके, अनिश यादव का सी जा रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं भाई, सो बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा वी से राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, और वो हमारा बिल्कुल तनु सही बताई है, वो हमारा है सी लंग्स। कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो नॉर्मली सिलिका कंटेनिंग जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह में काम करते हैं, तो उनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है। तो सिलिकोसिस नाम से पता चल रहा है, सिलिका कंटेनिंग जो डस्ट वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं एयर के थ्रू चले जाते हैं और लंग्स को डैमेज करते हैं। सो बिल्कुल यहां पे 10 का हमारा सी है, फेफड़े की बीमारी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट सेशन में जो डिजीज का टॉपिक होगा वो बिल्कुल क्लासरूम से हटके होगा, कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आपके सामने रहेंगे। सो बी रेडी, और मुझे सभी के आंसर का वेट है, और जो भी बच्चा कनेक्टेड है भाई वो सारे बच्चे एक बार मुझे आंसर भेजेंगे यहां पे किसके कितने सही है। और सुमित कुमार आज 9 मार्क्स आए सर जी, वेल डन सुमित, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। और अनिश का 7 है, अच्छी बात है। तो सारे बच्चे भाई हमारे वीडियो को लाइक्स भी करेंगे, वी अगेन से योर लाइक्स आर द एनर्जी करेंसी फॉर मी। आप लोग जो लाइक्स होते हैं वो मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। संदीप कुमार 9 का ओके, सो रीना मीना 9 ओके, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे। सो अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। 7 आउट ऑफ 10 सर, राइट राइट, कोई बात नहीं। 6 लाई है बेनिका, पूजा 10 आउट ऑफ 10। देखो पूजा बहुत अच्छा कर रही है और इसका साइंस बहुत ही बेटर वे में आंसर दी है, 10 आउट ऑफ 10 लाई है। तो मुझे लग रहा है कि आज का सेशन पूजा के ही नाम है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। पूनम भी 7 लाई है, वेल डन। और विनती शर्मा सी बिल्कुल सही बताई हो विनती, सी ही होगा हमारा, लंग्स ही डैमेज होगा उसमें। सो सभी के बिल्कुल राइट आंसर मुझे यहां पे देखने को मिले, आप लोग ऐसे ही बूस्ट करो। प्रवेश तो पता नहीं आंसर ही नहीं दिया मुझे, डराकर चला गया कि हमारा तो सब कुछ जाने वाला है, और उसके बाद से अभी प्रवेश के आंसर नहीं आया मुझे। सो जो भी बच्चे कनेक्टेड है भाई एक बार आप लोग लाइक जरूर करेंगे, योर लाइक्स आर द एनर्जी करेंसी फॉर मी, वो मेरे लिए स्पेशली एनर्जी बूस्टिंग का काम करता है। योर लाइक्स योर कमेंट एंड योर शेयरिंग ऑफ द वीडियो आर द वी से अबाउट दैट्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर ब्लड, इट्स इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन आवर ब्लड, दैट्स आई फील हाईली एनर्जेटिक। ब्लेसिंग बेन का ध्यान देना मुझे सभी को लेकर के है, और आप लोग सभी अच्छा करते हो, डजेंट मैटर यार, मार्क्स कम ज्यादा होंगे डजेंट मैटर, हमें अपने फ्लो को कंटिन्यू रखना है।
गलतियां होगी फिर सीखेंगे, गलतियां होगी फिर सीखेंगे, और एक दिन वन डे विल बी योर, वन डे विल बी योर, वन डे विल बी योर। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये सेशन, लेकिन ध्यान देना अगले दिन कुछ यूनिक होने वाला है, सो बिल्कुल भी रेडी रहना। ठीक है, कुछ अलग अलग में टेस्टिंग, अलग अलग वैक्सीन भी क्वेश्चंस में रहेंगे। और अभी मैं आपको कोविड का सेशन नहीं लाया हूं, सो अभी मैं सिर्फ कोविड का क्वेश्चन नहीं देने वाला हूं। जिस दिन हमारी मैराथन क्लास होगी कोविड की, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे कोविड से रिलेटेड, क्योंकि मान के चलना है कि नियर अबाउट कोई भी एग्जाम हो कोविड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक बर्निंग इश्यूज है, एक बर्निंग इश्यूज है वर्ल्ड वाइड। तो कंफर्म है 2 या 3 क्वेश्चन नियर अबाउट किसी भी एग्जाम में आएंगे। तो यहां पे कितने बच्चे हैं हमारे केक्स वगैरह यहां पे सेंड कर रहे हैं, सारा स्टूडियो भर चुका है आप लोग के केक्स और फ्लावर्स से, मैं देख पा रहा हूं यहां पे संदीप कुमार, अबेनिका, रीना मीना, सारे बच्चे कई सारे केक्स फ्लावर्स भेजे हैं। पूरा स्टूडियो जो है यहां पे जगमगा उठा है, बिल्कुल प्लीजेंट कंडीशन है, खुशनुमा माहौल है यहां पे। सो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग बहुत अच्छा फ्लो में जा रहे हो, ये अच्छी बात है कि यदि बच्चा 6+ है, 50%+ कवर कर रहा है क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में अच्छा कर जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, सो ऐसे ही पढ़ते रहो घर पे, बी रेडी और बी केयरफुल, अपना ख्याल रखो। ओके बाय।